हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू डिज़ाइन का डोरमेट लेके आई हूँ। तो इस डोरमेट को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये पांच रंगों की वूल ली है और मैं इसको वूल में बनाऊँगी। वूल मेरी थोड़ी सी मोटी है तो मैं यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज करूँगी। अगर आप इसको पुरानी चुन्नी से, पुरानी साड़ी से, पुरानी वूल से बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बुन सकते हैं। और उसके अंदर आप पुरानी साड़ी और चुन्नी से बनाएंगे तो आप यहाँ पर 6 नंबर की या 8 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और पुरानी वूल में बुनना चाहते हैं तो उसको फोल्ड करके, डबल करके और इसके अंदर 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा डोरमेट हमारा ये बन के आएगा। तो चलिए मैं आपको इसका डिजाइन दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा हमारा ये डोरमेट ऐसे बन के आया है और मैंने इसको 26 फंदों से बनाना शुरू किया है। आप इसको कितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं उतने ही फंदे आप डाल सकते हैं, बनाने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको पूजा आसन की जगह यूज कर सकते हैं, डोरमेट की जगह यूज कर सकते हैं और आप इसको टेबल मैट की जगह यूज कर सकते हैं। पुरानी चुन्नी से बनाइए, पुरानी साड़ी से बनाइए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये इस तरह से बन के आएगा। तो देखिए, इसके अंदर मैंने ये 4 कली बनाई है, ग्रीन के आगे ग्रीन है और येल्लो के आगे येल्लो है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा बन के आया है। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। ये सिंगल धागे से हम फंदे डालेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे, ऐसे नोट लगा के ऐसे फंदा डाल लेंगे और फिर इसको अंगूठे पे लेंगे, इसको उंगली पे लेंगे, ऐसे करते हुए ऐसे फंदे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से डालते हुए आप यहाँ पर 26 यानी 26 फंदे डाल लेंगे। तो ये 26 फंदे डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये 26 फंदे मैंने डाल लिए हैं। 26 फंदे डालने के बाद ये स्टार्टिंग से फर्स्ट रो है, जो यहाँ पर हम 6 फंदों में बॉर्डर डिजाइन बनाएंगे और 20 फंदों में हम इसका फ्लावर डिजाइन बनाएंगे। तो जो 6 फंदों में डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पर हम सेकेंड कलर यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पर मैं ये ब्लू कलर लगाऊंगी। तो ऐसे लेंगे और फंदा बुन लेंगे। तो 2 फंदे हम यहाँ पर ब्लू कलर से बनाएंगे ऐसे, फिर 2 फंदे हम येलो से बनाएंगे, स्टार्टिंग की रो है। फंदे थोड़े से टाइट हैं, ये एक सिलाई में ही ऐसे लगेगा, आगे तो आराम से बनता जाएगा ये। तो 2 फंदे येलो के, फिर 2 फंदे ब्लू के, ऐसे ब्लू धागा आगे करेंगे, इन धागे को आगे की तरफ दबाएंगे और इसको ऐसे बना लेंगे। तो 2 फंदे ब्लू के। तो ये 6 फंदे तो हमारे बॉर्डर डिजाइन के बन गए और आगे जो 20 फंदे हैं इन फंदों को हम येलो से ही बुन लेंगे। तो ये जो धागा है इस धागे को हम क्रॉस कराएंगे पीछे की तरफ। इस येल्लो धागे को आगे की तरफ करेंगे ऐसे और इसको पीछे निकाल देंगे। और यहाँ से अब ये जो 20 फंदे हैं इन फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे, इसको यहाँ तक बना लेंगे, एक फंदा रहने तक इसको बुन लेंगे। तो देखिए ये येल्लो फंदे मैंने बुन लिए हैं, 6 फंदों में डिजाइन डाला है और 19 फंदे मैंने बुने हैं, 20वां फंदा हमने बगैर बुना लिया है। एक फंदा यहाँ पे 20वें फंदे को छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे। तो एक फंदा छोड़ दिया, अब यहाँ से इस पूरी सिलाई को जो येलो फंदे हैं इन येलो फंदों को हम बुन लेंगे। इसको यहाँ तक, जहाँ तक येलो फंदे हैं यहाँ तक बुनेंगे। येलो फंदे मैंने बुन लिए हैं। तो अब देखिए धागे को क्रॉस कराएंगे, जो ये येलो धागा है इसको आगे की तरफ करेंगे और अब इसको ऐसे ब्लू कलर के धागे के ऊपर से पीछे की तरफ निकाल देंगे। ये हमारी राइट साइड है, जो फंदे जिस कलर के हैं उनको उस कलर से ही बुनेंगे। तो 2 फंदे ब्लू बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और येलो को आगे की तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे येलो के बनाएंगे,
अब फिर धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे, ब्लू को आगे की तरफ लेके आएंगे। अब जो लास्ट के दो फंदे हैं, एक फंदे को उल्टा बनाएंगे ऐसे और धागा पीछे करेंगे। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। तो अब आएंगे हम रोंग साइड में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो फंदे ब्लू हैं उनको येलो बनाएंगे, जो येलो है उनको ब्लू बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए इसको आगे बनाना शुरू करें। तो अब जो ये ब्लू फंदे हैं इनको येलो बनाएंगे, तो ऐसे इनको बुन लेंगे। जो येलो थे ब्लू बनाए, ब्लू को येलो बनाया। अब जो आगे के फंदे हैं, एक फंदा हमने फर्स्ट रो में छोड़ा था, अब की बार सेकंड फंदे को छोड़ेंगे और आगे तक इसको येलो बुन लेंगे। ऐसे येलो बनाते हुए इसको लास्ट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया, एक फंदा हमने फर्स्ट रो में छोड़ा था, सेकंड फंदे को अब छोड़ेंगे, फिर वापस राइट साइड में आएंगे ऐसे। तो ये फंदा है, इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे और आगे जो येलो फंदे हैं उनको येलो ही बुनेंगे। तो यहाँ तक इसको बुन लेंगे, फिर आगे जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया है, छह फंदे बॉर्डर के हैं, जो फंदे जिस कलर के हैं उनको उसी कलर से बनाएंगे। तो ये येलो है, इनको येलो ही बनाएंगे। अब धागे को क्रॉस कराएंगे और ब्लू धागा आगे की तरफ लेके आएंगे। जो ये ब्लू के हैं इनको ब्लू से बनाएंगे। अब धागे को पीछे की तरफ क्रॉस कराएंगे, येलो के को आगे की तरफ लेके आएंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये लास्ट का फंदा है इसको सीधा बनाएंगे। ऐसे सीधा बनाने से ये हमारी जो किनारी बन के आएगी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। तो देखिए जब भी हम ये इन फंदों का कलर चेंज करेंगे तो रोंग साइड से ही करेंगे। तो अब देखिए जो ये येलो फंदे हैं इनको ब्लू बनाएंगे, ब्लू है इसको येलो बनाएंगे, ये येलो हैं इनको फिर से ब्लू बनाएंगे। तो देखिए ये एक सिलाई मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, फिर आगे ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो ये दो फंदे येलो हैं, इनको ब्लू बना लेंगे। अब धागे को ऐसे क्रॉस कराएंगे पीछे की तरफ, आगे की तरफ ही रखेंगे सॉरी। ये जो नीले फंदे हैं इनको ब्लू ही है जो येलो बनाएंगे। अब फिर ये दो फंदे हैं डिजाइन के, इनको फिर से ब्लू बनाएंगे। अब धागे को हम पीछे की तरफ ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे इसको पीछे निकाल लेंगे। अब जो देखिए ये फंदे हैं यहाँ से, अब हमने फर्स्ट रो में एक फंदा छोड़ा था, सेकंड में दूसरा फंदा छोड़ा था, अब ये तीसरा फंदा छोड़ देंगे। हर उल्टी सिलाई में एक फंदा छोड़ते हुए सीधी तरफ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया, फर्स्ट रो में फर्स्ट फंदा छोड़ा था, फिर सेकंड रो में सेकंड फंदा। अब की बार इस फंदे को बुनेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और सीधी तरफ आ जाएंगे। फिर इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और आगे जो येलो फंदे हैं उनको येलो बनाएंगे और जो ये फंदे बॉर्डर डिजाइन के हैं इनको जो जिस कलर का है उसको उसी कलर से बना के इस सिलाई को कंप्लीट करें। तो देखिए इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप उल्टी सिलाई में आएंगे यहाँ पर तो इन फंदों को चेंज करेंगे, ब्लू है तो येलो बनाएंगे और येलो है तो इसको ब्लू बनाएंगे। यहाँ पर कलर फंदों का चेंज होगा और ये सिलाई बनाते हुए आएंगे, लास्ट में फिर फंदा छोड़ेंगे। जैसे अब हमारे तीन फंदे हमने बगैर बुने छोड़ दिए, अब की बार ये चौथे फंदे को छोड़ेंगे। ऐसे ही छोड़ते हुए हम नौ फंदे तक छोड़ लेंगे और इसको बनाएंगे। सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है उसको उसी कलर से बना लेंगे। तो मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ। नौ फंदे एक एक करते हुए हर सिलाई में एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। तीन फंदे छोड़ दिए हैं और छः फंदे और यहाँ तक बुन के फिर मैं आपको दिखाऊँगी आगे क्या करें। तो देखिए कली को मैंने कंप्लीट कर लिया है, एक एक फंदा छोड़ते हुए मैंने नौ फंदे छोड़ दिए हैं और मैंने इस कली को कंप्लीट किया है इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ से अब हम दो कलर हमने लगाए हुए हैं, तीसरा कलर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नौ फंदे छोड़ के हमने कली को कंप्लीट किया। अब जो फंदे बॉर्डर के हैं इनको बॉर्डर की तरह ही बुनेंगे, जो ब्लू हैं इनको येलो बनाएंगे और जो येलो हैं इन फंदों को हम ब्लू कलर से बनाएंगे। जब बैक साइड में आएंगे तो तभी हमारा ये कलर चेंज होता है, सीधी तरफ से हम जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे वैसे। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना तीसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे लेंगे
और यहाँ पर मैंने ये पिंक कलर ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ से ये फंदे बुनेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक मैंने फंदे छोड़े हैं। अब ये आगे इस फंदे को फिर छोड़ देंगे, यहाँ तक हम बना लेंगे। टोटल ये 20 फंदे हैं, तो इसमें से हम 10 फंदे बनाएंगे। इस धागे को अंदर की तरफ ही दबा लेंगे ताकि ये निकलेगा नहीं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा ये बन के आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुरानी चुन्नी से बनाइए, पुरानी साड़ी से बनाइए, पुरानी वूल को डबल करके बनाइए। 2 2 4 2 6 2 8 9 और 1 10। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारे अब ये 10 फंदे पिंक के हैं, 10 येलो के हैं। तो हमने 10 फंदे बुन लिए हैं, अब यहीं से ही हम टर्न करेंगे। ऐसे इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और फिर जो पिंक फंदे हैं इनको पिंक से ही बुनेंगे, और जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको बॉर्डर से ही बुनेंगे। बॉर्डर वाले बॉर्डर की तरह और पिंक फंदे पिंक की तरह ही बना लेंगे। तो देखिए, सीधी तरफ से मैंने सिलाई को बुन लिया है। तो 10 फंदे हमारे येलो के हैं, 9 फंदे हमने छोड़े थे, एक फंदा अब की बार छोड़ा। तो 10 फंदे येलो के हैं, 10 हमारे पिंक के हैं। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। तो जो बॉर्डर के फंदे हैं इनका अब हम कलर चेंज करेंगे। तो येलो हैं, इनको हम ब्लू बनाएंगे। ऐसे इनको ब्लू बना लेंगे। अब जो ये ब्लू के फंदे हैं इनको अब हम येलो बनाएंगे, 1 और 2। अब जो 2 फंदे येलो के हैं इनको ब्लू बनाएंगे। अब इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे ऐसे क्रॉस करके, और फिर फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका होल नज़र नहीं आएगा। धागा क्रॉस आप ज़रूर कीजिएगा यहाँ पर। तो अब 10 फंदे हैं, तो इसमें से हम 9 फंदे बुनेंगे। तो देखिए, ये 9 फंदे बुन लिए। अब ये एक फंदा पिंक का छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे ऐसे। अब ऐसे बुनेंगे, सेम ऐसे ही बनता जाएगा जैसे हमने येलो कली बनाई है। हर एक सिलाई में जब हम यहाँ पर आएंगे तो एक फंदा छोड़ देंगे, फिर अगली में एक छोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ते हुए इन सभी फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इनको भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। अब की बार एक फंदा छोड़ा, अगली में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही छोड़ते हुए हम जैसे ये कली बनी है ऐसे ही हम आगे इसको बना के दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पिंक कलर की कली को मैंने बना लिया है। पहले हमने येलो बनाई थी, एक एक फंदा छोड़ते हुए 9 फंदे। फिर हमने सेकंड कलर ये लगाया जैसे पिंक, तो इसका एक एक फंदा छोड़ते हुए अब हमारे सभी फंदे यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। सभी फंदे हमारे एक एक छोड़ते हुए हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब आएंगे हम रॉन्ग साइड में। तो देखिए कैसे करेंगे, जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको बॉर्डर की तरह बनाएंगे, जो येलो हैं उनको ब्लू बनाएंगे। तो ये 6 फंदे बॉर्डर के बुन लेंगे। अब ये ब्लू हैं तो इनको येलो बनाएंगे। अब फिर ये 2 येलो हैं तो इनको ब्लू बनाएंगे। बॉर्डर के फंदे हर बार हमारे बैक साइड से ही कलर चेंज होगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, धागे को क्रॉस करेंगे। अब ये कली कंप्लीट होने के बाद देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट फंदा जैसे हम बुनेंगे ऐसे, और आगे से एक फंदा और लेंगे, इसको ऐसे बुन लेंगे। तो ये 2 फंदे बुन गए। अब धागा पीछे करेंगे और फिर से राइट साइड में आ जाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही लेंगे और आगे वाले को बुनेंगे। अब जो ब्लू है इनको ब्लू बनाएंगे, और येलो है इनको येलो बनाएंगे। धागा पीछे, फिर लास्ट के 2 फंदे हैं, एक फंदे को उल्टा बनाएंगे, और हर बार सीधी तरफ से जो लास्ट वाला फंदा है इसको सीधा बनाएंगे ऐसे। अब आएंगे फिर से रॉन्ग साइड में। तो देखिए, अब हमने ये 2 फंदे बनाए थे, अब आगे देखिए कैसे करेंगे। जो येलो ब्लू फंदे हैं इनको हम येलो बनाएंगे। 2 फंदे येलो
और जो ये येलो वाले हैं इनको ब्लू बनाएंगे। अब जो ब्लू वाले हैं इनको येलो बनाएंगे। ऐसी तरह से बनाएंगे तभी हमारा ये बॉर्डर बनता जाएगा। अब ऐसे धागा क्रॉस करेंगे और पिंक कलर के जो दो फंदे बुने थे इन दो को बनाएंगे। अब एक फंदा आगे से लेंगे तो यहाँ पर हमारा गैप बनेगा बीच में, तो यहाँ से एक फंदा ऐसे उठाएंगे और इस फंदे को इसके साथ लेंगे और दो का एक करेंगे, तो तीसरा फंदा हमने बुन लिया। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब फिर इसको ऐसे ही उतारेंगे और आगे वाले फंदे को बुनेंगे। फिर से जो फंदा बॉर्डर का जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। दो फंदे येलो हैं तो इनको येलो बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो फंदा ब्लू का है उसको ब्लू बनाएंगे और फिर से दो फंदे येलो के हैं तो इसको येलो ही बनाएंगे। कलर चेंज हमारा सिर्फ रॉन्ग साइड से ही होगा, राइट साइड से जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे ऐसे। अब फिर आ जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए जैसे मैंने ये दो फंदे बनाए हैं, अब फिर बनाएंगे बॉर्डर के फंदे बॉर्डर की तरह बनाएंगे। ये तीन फंदे हमारे बुने हुए हैं, आगे से एक फंदा और लेंगे और ये गैप को भरेंगे। तो पहले ये बॉर्डर बनाएंगे, तो देखिए बॉर्डर के फंदे छः फंदे बुने हैं। अब धागे को क्रॉस करेंगे और जो ये तीन फंदे बुने हुए हैं इन तीन फंदों को बुनेंगे। अब एक फंदा आगे से बुनेंगे तो इससे पहले हम जो ये बीच में गैप नजर आएगा इस गैप को हम भरेंगे। यहाँ से फंदा उठाएंगे, इस फंदे को इसके साथ लेके ऐसे बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारा चौथा फंदा बन गया। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, आगे फंदे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, बॉर्डर के फंदे बॉर्डर की तरह बुनेंगे। इसी तरह से हम ये नौ फंदे पिंक वाले बुन लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एक करते हुए हमने सभी ये पिंक कलर के फंदे बुन लिए हैं। कल ही हमारी ये पिंक कलर की कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ से अब हम बॉर्डर के फंदे हैं बॉर्डर की तरह बनाएंगे। देखिए अब आगे इसको कैसे बुनेंगे, जो बॉर्डर के फंदे हैं ब्लू हैं इनको येल्लो बनाएंगे, फिर येल्लो है इनको ब्लू बनाएंगे, फिर ब्लू है इनको येल्लो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये पिंक फंदे हैं यहाँ से अब हम पिंक धागे को यहीं पर ही छोड़ेंगे और यहाँ पर येल्लो धागे लगाएंगे। तो जो फंदे ये हमारे पिंक के हैं इनको हम येल्लो बुनेंगे। तो ये 10 फंदे हैं टोटल हमारे पिंक के, तो इनको हम बुनेंगे। अब देखिए 10 फंदे हमने पिंक से बुन लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा अब गैप नज़र आएगा ये बीच में। तो अब आगे से एक फंदा हमने एक फंदा बुनना है येलो का। ये बुनने के बाद जैसे हमने एक एक फंदा पिंक का बुना था ऐसे ही एक एक फंदा येलो का लेते जाएंगे और कली कंप्लीट हो जाएगी। 10 फंदे बुन लिए, अब आगे एक फंदा ये येलो का बुनेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ से फंदा उठाएंगे, ऐसे फंदा उठाएंगे और इस गैप को भरने के लिए इस आगे वाले फंदे के साथ ये फंदा हमने बुनना है एक फंदा, तो इसके साथ दो का एक ऐसे कर देंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, आगे के फंदे नहीं बुनेंगे, इनको ऐसे ही छोड़े रखेंगे। हर बार एक फंदा येलो बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब फिर ऐसे ही बनाते जाएंगे, जैसे हमने ये कली बनाई है ऐसे ही अब फिर इसको बना लेंगे, जैसे पिंक कली बनाई थी। फिर बॉर्डर के फंदे बॉर्डर की तरह बनाएंगे। अब फिर जब बैक साइड में आएंगे तो अब हमारे 11 फंदे ये यहाँ पिंक के ऊपर बने हुए हैं, 10 पहले पिंक के थे, एक फंदा हमने इस पार्ट से लिया। अब आगे रॉन्ग साइड में आएंगे, फिर से एक फंदा लेंगे, एक एक फंदा करते हुए लास्ट तक हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। तो इसको बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आ गए हम रॉन्ग साइड में, तो जो येलो फंदे हैं इनको ब्लू बनाएंगे और ब्लू फंदों को येलो बनाएंगे, अब फिर येलो को ब्लू बनाएंगे। तो 6 फंदे हमारे बॉर्डर के चलते जाएंगे। अब आगे ये जो पिंक के ऊपर फंदे हैं इनको हम
येलो बनाते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 10 फंदे हमारे थे, फिर एक फंदा आगे से लिया, 11 फंदे बन गए। अब इनको बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ तक हमारे ये 11 फंदे बन गए। अब आगे से एक फंदा लेके बुनेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पर ये गैप भरेंगे, यहाँ से फंदा उठाएंगे और दो का एक करेंगे। तो हर बार इस लेफ्ट नीडल से एक फंदा लेके बुनेंगे और इस पर बुनते आएंगे, फिर आ जाएंगे राइट साइड में। तो ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को बुन लेंगे, एक एक फंदा हर सिलाई में लेते हुए बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे हमारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। जैसे हमने यहाँ से बनाया, जब एक एक फंदा छोड़ते गए थे, अब इस कली में एक एक फंदा लेते हुए लास्ट तक हमने सभी फंदे बुन लिए हैं। कली हमारी ये कम्प्लीट हो चुकी है। तो जैसे हमने ये एक कली बनाई है, ऐसे ही हमने ये चार कली बनानी पड़ेंगी, तब हमारा ये डोरमैट, पूजा आसन, टेबल मैट ये हमारा बन के तैयार होगा। तो ये कली अब हमारी परफेक्ट कम्प्लीट है। तो अब हम यहाँ से देखें क्या करेंगे, सेकंड कली को स्टार्ट करेंगे। जब ये फर्स्ट कली कंप्लीट हो गई, अब सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो ये बॉर्डर के फंदे हैं, इन फंदों को ऐसे ही बुनेंगे। और अब यहाँ पर हम, जैसे ये कली हमने बनाई है, ये हमारी पिंक और येलो है, दूसरी कली हमारी फिर ग्रीन और वाइट की बनेगी, फिर तीसरी कली हमारी फिर येलो और पिंक की बनेगी, और फिर फोर्थ कली हमारी फिर से ग्रीन और वाइट की बन जाएगी। तो देखिए ये एक कली हमारी कंप्लीट है। अब हम जब सेकंड कली बनानी शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ से अब हम जो बॉर्डर के फंदे हैं, इनको बॉर्डर की तरह ही बुन लेंगे। ये फंदे हमारे लास्ट तक ऐसे ही बनते जाएंगे। चार कली बनने के बाद हमारा डोरमैट एकदम परफेक्ट साइज का बन के आएगा, अपने आप इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप बन के आएगी। तो ये देखिए ये छः फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम दूसरी कली के लिए कलर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो ये ग्रीन कलर लगा के और इस पूरी सिलाई को हम यहाँ पर, अब देखिए फिर से वही स्टार्ट हो गई जो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कली की हमने बनाई थी। तो ये जो येलो फंदे हैं, ये हमारे यहाँ पर 6 फंदे बॉर्डर के डिजाइन के और 20 फंदे टोटल हमारे ये येलो के हैं। तो इसमें से हम 19 फंदे बुनेंगे। ऐसे इसको पूरी को बुनते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका का डोरमेट है और बहुत ही प्यारा डिजाइन इसका बन के आएगा। तो ये हमारी सेकंड कली अब स्टार्ट हो चुकी है। रॉन्ग साइड से हमने ग्रीन कलर को लगा लिया। अब देखिए टोटल हमारे ये येलो के 20 फंदे थे, तो इसमें से हम 19 फंदे लेंगे। जैसे हमने कली स्टार्ट की थी फर्स्ट कली, तो एक फंदा हमने छोड़ा था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न करेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे ही पूरी रो को बुनते जाएंगे। सीधी तरफ से हमने कुछ नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर के हैं उनको उसी कलर से ही ऐसे ही बनाते जाएंगे। ऐसे बना के इसको कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर के फंदे बॉर्डर की तरह बनाएंगे, फिर रॉन्ग साइड में आएंगे। तो अब एक फंदा छोड़ा है, फिर दूसरे फंदे को छोड़ेंगे, ऐसे ही करते हुए 9 फंदे छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब वही पोर्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसकी 3 कली कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसको बाइंड ऑफ कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चारों कली हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी है। चार कलियों से हमारा ये डोरमैट कंप्लीट होगा। तो देखिए ये हमारी जब चौथी कली कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, और बाइंड ऑफ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। तो ग्रीन के आगे ग्रीन आ जाएगी और येलो के आगे येलो आ जाएगी। बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट हमारा बन गया है और मैंने इसको 26 फंदों में बनाना शुरू किया है। तो देखिए आप इसी तरह से इसकी सिलाई करके और ये यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट हमारा बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डोरमेट पसंद आया हो, बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।